तारा के खानदान वाले मारा ताना के वीडियो में नहीं आ सकते। दिलबर का हुआ एक्सीडेंट, महबूबा ने डाली वीडियो, बीवी माँ बहन किसी को नहीं पता, खाली महबूबा को पता है कि दिलबर के साथ क्या हुआ। Hi guys, how are you? Assalamualaikum. I hope it's happy, healthy with your family. Thank you so much for coming. You person, my home, brother, sister, girl, boy, and everyone. Thank you so much. Better my heart, my beautiful YouTube family. सबसे पहले बात कर लेते हैं दिलबर। दिलबर की महबूबा ने डाल दी वीडियो, थंबनेल आप लोग देख सकते हैं, जिसके ऊपर उनकी गाड़ी को चकनाचूर किया हुआ दिखाया जा रहा है। मैं यहाँ पे ये पूछती हूँ, जैसे ही मैंने इस औरत की वीडियो देखी, फौरन मैं गई नदीम के चैनल पे। नदीम के चैनल पे गई तो वहाँ पे तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा। वहाँ पे तो वो बैठा गिला शिकवा कर रहा था, साजिद को अप्रिशिएट कर रहा था। थंबनेल पे तो यही लिखा हुआ था कि भाई साजिद ने जो कर दिया है काम, जो उन्होंने बहुत बड़ा किया है, उसको नहीं करना चाहिए। लेकिन जब अंदर के तो उसने कहा मैं बड़ा ही अप्रिशिएट करता हूँ कि साजिद ने ये फैसला कर लिया कि कोई भी खानदान वाले या कोई भी आकर मेरे घर में वीडियो नहीं बनाएगा। लेकिन उसने कहा मैंने साजिद को पहले ही कहा हुआ था कि जी आपने इन लोगों से वीडियो नहीं बनवानी। भाई कौन से लोग? आप लोग ही तो थे जो जाते थे। इस आदमी ने ये भी नदीम में कह दिया कि जो लोग आते हैं कीचड़ उछालते थे, इस तरह की बातें करते थे, मैं तो पहले ही से कह रहा था कि आप लोग इन लोगों को अपने घर में मत घुसेड़ो, इनको शॉर्ट आउट मत दो, ये नहीं करो वो नहीं करो। तो सबसे पहले तो कपड़े इस नदीम के बच्चे ने उतारे थे, इसके बाद जो है इसकी भी बहन रवीना मैदान में आई, और फिर उस सबसे नंबर वन पे तो नैना थी, और उसके बाद उसका मियाँ दुमकटा बंदर था, राइट? ये हुआ ना। लेकिन यहाँ पे जी ये बात है कि साजिद ने जो फैसला किया बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल सही किया, हम सब उसके साथ, उसके फैसले के साथ, उस तारों को ऐसा करना चाहिए था और उसने किया, देर आए पर दुरुस्त आए जी। यहाँ पे फिर हम लोग जब वापस आते हैं, मैं जाती हूँ रुबीना की वीडियो पे देखना, तो रुबीना की वीडियो पे भी कुछ नजर नहीं आई। वो तो खाबे खा रही है, कभी उसके घर जा कभी उसके घर जा, फारूक के बीवी के साथ, उसके बच्चों के साथ, पत्नी कहाँ कहाँ वो जा रही है, अपनी दावते उड़ा रही है। हालांकि दिलबर तो उसके साथ ही था, अगर ऐसा कुछ भी हुआ होता, एक्सीडेंट हुआ होता, या फिर जो गाड़ी दिखाई गई है क्या वो दिलबर की गाड़ी है, अगर दिलबर की भी गाड़ी तो किसने तोड़ी, क्या हुआ? इस ये बहुत बड़ी एक जो है चाल चली गई है। लेकिन फिक्रमंद की बात ये है कि जब हम लोग जाते हैं जी फातिमा की वीडियो के ऊपर जाकर देखते, तो वहां पे तो हमें कुछ भी नजर नहीं आता। जो दिलबर की बीवी है वहाँ पे भी कुछ नजर नहीं आता, बल्कि वो तो शिकवा शिकायत कर रही है कि भाई मेरा दिल उदास था इसलिए मैंने कम्युनिटी लगा दी, लोग ये कहते हैं कंटेंट के लिए सब चीज़ें ऐसे करी, तो मैं ऐसा नहीं करी। तो जहरी बात, अभी एक औरत को पता चल चुका है कि उसका मियाँ उससे बेवफाई कर रहा, दगाबाजी कर रहा है, डिवोर्स की धमकी दे के उसका मुँह चुप करा दिया गया, जिसके कहने की वजह से उसने अपनी वीडियो ऊपर नीचे उसने डाली। औरत है ना, जहरी बात है, डिवोर्स लेके बच्चों को लेके कहाँ जाएगी, माँ बाप के सर पर बैठेगी। जहाँ पे उसने फातिमा ने अपनी वीडियो में बहुत कुछ उसने क्लियर कर दिया है अपनी बातों से, पर समझने वाले समझते हैं, पर जो नहीं समझते उनका हम कुछ भी नहीं कर सकते। यहां पे जी ये गंदी गली औरत जो बेवा अपने आप को कहती है, या आप थंबनेल देखें, ये गाड़ी में जा रही है, ये गाड़ी में जा रही है, जो मैं आप लोगों को पिक्चर दिखा रही हूं, ये इद्दत पे बैठी हुई है, लेकिन गाड़ी में बैठकर ये कहां जा रही, किस यार से मिलने जा रही है, दिलबर ही है ना। क्या ये दिलबर के साथ थी? क्या दिलबर के साथ वो गलत काम करने जाई थी जिसकी वजह से इन लोगों का एक्सीडेंट हो गया, ये बच गई, और खुदा ना खास था उसको कुछ हो गया? यार ये लोग जो है इद्दत पे बैठ कर भी ना उसका मजाक उड़ा रहे हैं, ना बीवी को पता, ना माँ को पता, ना नैना जो सपनी जो आ जाती मिट में ना उसको कुछ पता, ना रुबीना को पता, किसी को कुछ, खानदान को पता नहीं कि उसका एक्सीडेंट हुआ है नहीं हुआ है, वो कहाँ है, हॉस्पिटल में है, घर में कहाँ है, क्या नहीं। लेकिन ये सब कुछ दिलबर के कहने की वजह से ही इस औरत ने आके अपना थंबनेल लगाया। आप लोगों ने थंबनेल तो देख लिया, थंबनेल लगाया, उस थंबनेल के ऊपर जो कुछ लिखा वो भी आप लोगों ने पढ़ लिया। तो ये सब बहुत बड़ा ड्रामा है जो दिलबर इन लोगों के थ्रू करवा रहा है, क्योंकि दिलबर उसके इश्क में पागल हो चुका है, पागल कुत्ते ने उसको काट चुका है, पागल कुतिया ने उसको काट दिया है। ये बंदियां आज पागल कुत्तियों की तरह आके ना ये भौ 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 भौंकना शुरू कर देती है। एक साइड पे इसकी भाभी को छोड़ देगा, जो कहती है कि जी अब हम ये करेंगे अब हम वो करेंगे, दूसरी साइड पे इसकी बड़ी बहन को छोड़ दिया जाता है जो कुत्तों की तरह आके भौंकना शुरू कर देती है। और इनके लिए एक बार वाली की मैं बात कर रही हूँ, आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन इन लोगों की जो काली करतूतें वह सामने खुलकर सामने आ चुकी है। खानदान को पता ही नहीं है कि दिलबर के साथ क्या हुआ, उसको कहाँ चोट लगी, उसको कौन उठा कर ले गया, उसकी गाड़ी को कैसे एक्सीडेंट हुआ, उसकी गाड़ी को किसने ठोका, क्या कुछ किया। लेकिन ये सब कुछ मैंने जैसे अभी पहले कहा, दिलबर की वजह से, कहने की वजह से ही इन लोगों को इतनी वो मिला है, तभी तो दिलबर उनकी कम्युनिटी लगा रहा है, मींस है कि दिलबर का हाथ उनके साथ है, तभी तो उसके साथ जाकर दिलबर भाई कहकर, भाई कौन सा खूनी रिश्ता है आजकल तो बहन भाई जो है वह गंदे सेक्स वगैरह कर रहे होते हैं। क्या आप लोग न्यूज नहीं देखते? क्या आप गांव देहात में ये सब चीजें नहीं देखते? आप लोग किसको बेवकूफ बनाते? बेवकूफ से भी याद आए इन गंदी गली औरतों को उठाओ फेंको एक टोकरा साइड पर।
अब हम बात कर लेते हैं उस जलील औरत के ऊपर जो कल अपनी वीडियो डालती है और अपने कमेंट को हाइड कर देती है, छुपा देती है, उसका जो बटन है वो ही बंद कर देती है कि ना कोई मैसेज लिखेगा और ना ही मेरे कट्टे चट्टे बट्टे सामने आएंगे। जी जी, मैं उसी औरत की बात कर रही हूँ जो आजकल सितारा यासीन को गंदा बोल रही है, जो सितारा यासीन के ऊपर गंदी बातें कर रही है, जो कहती है कि मैंने जानबूझकर जो इनकी आवाज़ें थी, जो कुछ भी था इनके साथ बातचीत हुई है, मैं जानबूझ के डाल रही हूँ ताकि लोगों को पता लगे ये लोग किस तरह के हैं। क्या किया साजिद ने, क्या किया सितारा ने? और फिर ये औरत कहती है कि मैंने तो इन लोगों के लिए पाए चूल्हे पे चढ़ाए हुए थे, पाए पका पका के सितारा साजिद खिलाती रही, ये लोग 11-12 दिन मेरे साथ रहे हैं, इनके बच्चों को मैं ये देती रही, इनके बच्चों, यार कितने जाहिल लोग हैं, आपने जो बच्चों को कैंडियाँ दी या चॉकलेटें दी या पाए बना बना के खिलाए, ये खाने बना बना के खिलाए, आप उन सब चीज़ों को जो खिला चुके हैं, जो बना चुके हैं, सब कुछ डाल चुके, उन चीजों को खिलाएंगे यार? और ये तो जाहिल लोग करते हैं, और आप अपने आप को पढ़ी लिखी कहती हैं। और ये औरत ने जी इसका आई थिंक सो 45 मिनट, कितने मिनट किसने वीडियो बनाई, उस वीडियो में खुद बोलती रही, खुद बात करती रही, और वो जो बेचारा सामने एक चूजा सा बैठाया हुआ था वो जी 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 करता रहा, उसके मुंह में खुद ही नवाले देती रही कि तूने अब ये बोलना है, वो बेचारा जी 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 करता रहा, बस यही इसने सारे उसमें किया कि लोग मुझे टोंटबाजी कर रहे हैं, सितारा सपोर्टर जो है मेरे पे वीडियो डाल रहे हैं, मुझ पर लाइव कर रहे हैं, मेरे पे ये कर रहे हैं, मुझ पर वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम लोग खाते पीते लोग हैं, हम ये लोग हैं, हम वो, भाई हमने आपको देख लिया आपकी पुरानी वीडियो में, क्या आप कितने खाते पीते लोग हैं, हमने आपको देख लिया, आपकी पूरी फैमिली को देख लिया, क्या आपके घर का इंतजाम है, आप क्या करते हो, क्या आपकी रूटीन है क्या नहीं, सब देख लिया हमने। तो वहां से साफ जाहिर होता है कि आप भी व्यू की भूखी हैं, आपने सितारा यासीन का नाम यूज किया है, आप उसका नाम लिख लिख कर आती हैं और उसके ऊपर ही आपको व्यू आते हैं, जब आप सितारा यासीन का नाम नहीं लिखते हो वहां आपको व्यू नहीं आते। तोबा तोबा, ऐसे लोग इस जमाने में आ चुके हैं, मैं तो कहती हूँ तोबा 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 तोबा, ऐसा यार इतना झूठ, मतलब अपने आप को ही और सच्चा करें। कहती है कि मेरी जहां हम लोग काम करते हैं लोग हम पे, अब लोग कौन लोग बातें कर रहे हैं, तुम लोग खुद बातें कर रहे हो, तुम खुद जानबूझ के आती हो सितारा के टैग लगा के, साजिद भाई से मैंने फोन पे बात की, साजिद भाई ने मेरे जो है दूसरे लोगों से मेरा अता पता ले रहे हैं, पूछ रहे हैं कि ये औरत कैसी है, ये औरत सही है, ये औरत फ्रॉडी है, ये औरत, भाई अगर ले भी रहे हैं तो अच्छी बात है, जहरी बात है, जब आप उन लोगों के ऊपर आके इल्जाम लगा सकते हो, उसकी बीवी को पागल कह सकते हो, उसकी बीवी पर इल्जाम लगा सकते हो ये चीटर है, अपने स्पोर्टरों से झूठ बोलती है, अपने स्पोर्टरों को दगाबाजी देती है, इस औरत को तमीज नहीं है, आप इतना कुछ सितारा यासीन को कह के जा सकते हो, तो फिर सितारा यासीन के जो स्पोर्टर, जो उसके चाहने मानने वाले, प्यार मोहब्बत करने वाले, वो तो आपको ठोकेंगे और रख रख के ठोकेंगे, आप शक लेफ्ट जाओ या राइट जाओ, अपन जाओ या डाउन जाओ, वो तो आपको नहीं कहीं छोड़ेंगे, वो तो आपको रगड़े पर रगड़ा मारेंगे। रगड़े से याद आया जी, फरिया घर आ गई, हाय गर्मी गर्मी करते करते घर आ गई, कहने लगी मैं और अब्बू हम लोग जो है खाला घर वापस आ चुके हैं, जो वो हैं जी हीरा मंडी, वो जरा आराम से ही वो आएंगी, डेट भी उन्होंने बता दी थी, हीरा मंडी अपने हस्बैंड के साथ वहीं पर रह चुकी हैं, आप लोगों ने देख लिया होगा। लेकिन यहाँ पर जी बहुत सी ऐसी बातें हमने फरिया की व्लॉग में देखी, उनकी वीडियो में देखी, जहाँ पे अपनी भाभी को बड़े मीठे मीठे अंदाज से ताने मैंने नहीं होते ताने मैंने माने, ये चू 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 करके चू 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 भी कर लिया, ताने मैंने भी मार दिया ना, और जैसे अगर हस्बैंड के मुंह से बदबू आ रही हो तो चू 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 करके बस जी बस बहुत हो गया, बस बहुत हो गया, वो पीछे वो इन दोनों का हाल हो गया नंद और भाभी का, कि यू 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 भी करना और उसके बाद फिर ताने मीठे मीठे ताने मारने, मीठे मीठे ताने मारने, तो ये हाल इन लोगों का हो गया। तो चले जी, आज की तो यही अपडेट थी, ब्रेकिंग न्यूज था, रिव्यू था, और सबसे बड़ी बात यह कि सितारा लाइव आने वाली, हम सब बेसब, चले जी सितारा जो है अब लाइव आने वाली है, अब उनकी लाइव का इंतजार करेंगे बेसब्री से। आज का तो यही यूट्यूब के ऊपर जो कुछ भी आया था सब आप लोगों को हमने डिटेल से बता दिया है, बट अभी तक हम जी फातिमा होगी, नैना होगी, दिलबर हो गया या फिर रुबीना होगी, इन सब की वीडियो का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इन सब की वीडियो हम देख चुके, किसकी वीडियो में हमें नजर नहीं आया कि दिलबर का एक्सीडेंट हो गया, अब शक उसकी गार्ड टूटी फूटी दिखाई, अब क्या है क्या नहीं है वल्ला आलम, या वो ही जाने कितना सच कितना झूठ है, या उनको जानबूझ के तोड़ा गया है या टक्कर मरवाई गई है, सितारा के पास जाने की कोशिश की गई है, सितारा के पास जाने की कोशिश की गई है। मैं ये भी बता दूं, नदीम कहता है कि अगर हम लोग बाहर जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, अगर वहां पे लोग उसके वीडियो में आ जाए या कुछ ऐसा आ जाए तो वो कोई बात नहीं, वो चलेगा, लेकिन हाँ घर में जाके जो है व्लॉग नहीं चलेगा। लेकिन सितारा आप यहाँ पे होशियार रहिएगा, अगर आप बाहर भी जाते हैं, खाती हैं, पीती हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाती हैं, किसी को अलाउ नहीं कि आपके ऊपर कैमरा रख कर या जहां बैठ कर खा रही हैं, कुछ भी चीज दिखा रही हैं, वहां पे आपको क्लोज कर करके दिखा रही हैं। यहां पे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं
हाजी गुलाम मोहम्मद, कुछ मैसेज आ गए इंस्टाग्राम पे कि हाजी गुलाम मोहम्मद उस घर में रहता है, तो क्या उसको अलाउ है कि वो वीडियो बना सकता है? क्या वो तारा और उसके बच्चों को दिखा सकता है? क्या वो ये सब कुछ चीज़ कर सकता है? क्या ये जो उन्होंने साजिद ने कहा है क्या उसके ऊपर भी लागू होता है? ये तो अभी हमें हाजी गुलाम मोहम्मद की वीडियो में पता लगेगा कि वो क्या दिखाता है, उसको परमिशन है नहीं है, क्या है, ये तो अब आने वाला वक्त हमें बताएगा या फिर उनकी वीडियो में हम देखेंगे। चले जी, आएंगे नेक्स्ट अपडेट ब्रेकिंग न्यूज रिव्यू के साथ। चेक अल्लाह हाफिज़ एंड बाय गाइस।